कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर मनुष्य का एक अलग ही स्वभाव है, बिल्कुल अलग स्वभाव, और ऐसा अलग स्वभाव कि जो परम आश्चर्य से भर देता है। देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो पाएंगे कि अच्छा, ऐसा है हमारा स्वभाव, यानी कि फितरत, इंसानी फितरत कुछ अजीब ही किस्म की है, बिल्कुल अजीब किस्म की है। लेकिन हम उसे नहीं पकड़ पाते, पकड़ भी नहीं सकते, क्योंकि पकड़ने के लिए किसी भी चीज़ को आईने की सख्त ज़रूरत होती है, दर्पण, जिसमें हम खुद को देख सकें, अपने दोषों को जान सकें। तो ये जितने संत हैं ना, ये हमारे आईने हैं, और इन संतों ने इंसानी फितरत को जाना, समझा, और इंसानों को ही बताया कि देखो ऐ इंसानों, तुम्हारी फितरत कैसी है, तुम्हारा स्वभाव कैसा है, और उसे थोड़ा दुरुस्त करो, सुधार करो, उसमें संशोधन की आवश्यकता है, विकास की आवश्यकता है, ऊर्ध्वगामी बनाओ उसे, जो कि अधोगामी बना हुआ है। अब यही बात चेताने के लिए कबीर साहब ने बहुत बातें कही हैं, बहुत, उनकी वाणी निरंतर चेता रही है, निरंतर, और आज भी उसी चेतावनी से भरी उनकी ये वाणी हम सब इंसानों से कह रही है कि दोष पराए देखिए करी, चला हसंत हसंत, दोष पराए देखिए करी, चला हसंत हसंत, अपने जिनका दिन अंत कबीरा, जिनका दिन अंत। कुछ कुछ तो समझ गए होंगे, बाकी हम समझा देते हैं। कबीर साहब फरमा रहे हैं, दोष पराए देख के चला हसंत हसंत। कहते हैं कि ऐ इंसान, तेरी फितरत क्या है तू जान ले। दोष पराए देख के, दूसरों के दोषों को देख देख कर, गलतियों को देख देख कर चला हसंत हसंत। तू बहुत हंसते हुए चलता है, दूसरे की कमजोरियों पर उंगलियां उठाता है, उन पर हंसता है, लेकिन अपने याद न आ वहीं जिनका आदि न अंत। लेकिन तुझे अपने कोई दोष, अपनी कोई कमियां याद नहीं आती, वे दोष वे कमियां जिनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, यानी कि बेहिसाब हैं। बेहिसाब कमियां हैं तुझ में, बेहिसाब दोष हैं तुझ में, लेकिन वो तो दिखाई नहीं देते ना, दिखाई दूसरों को देते हैं, और दिखाई ही दे जाएं वो भी चलो मान लिया, लेकिन उस पर तू हंसता है, हंस हंस कर निकलता है उनके आगे से। दोष पराए देख के चला हसंत हसंत, अपने याद न आ वहीं जिनका आदि न अंत। अब उदाहरण के द्वारा समझिए, हमारे देश में जो सबसे उच्च स्थान, उच्च आसन प्राप्त है, सिंहासन प्राप्त है, वह है राजनेता को। हमारे देश में नेता से बड़ा भगवान कोई नहीं है। नेता को देखते ही हमारी बाँछें खिल जाती हैं, आंखें चमक उठती हैं, हर एक कोई व्यक्ति दौड़ दौड़ कर भागता है, नेताजी आए हैं, नेताजी आए हैं। अब ये जितने नेता हैं उनको देख लीजिए, जब भी जिस भी मंच पर आते हैं, कोई भी नेता आ जाए, माइक पकड़ता है, पहले सबको अपना भाई और बहन बनाता है, भाइयों और बहनों, स्वाभाविक है, अगर भाइयों और बहनों नहीं कहेगा तो सुनेगा कौन उसकी बात। कोई रिश्ता तो कायम करना है ना, चलो अच्छी बात है, भाइयों और बहनों के बाद आगे क्या होता है भाई,
उसके बाद सिलसिला शुरू होता है दूसरी पार्टियों को कोसने का, उनके दोष गिनाने का। पूरे समय वह नेता हंसता है, हंस हंस कर दूसरी पार्टी के नेताओं को, उनके कार्यों को, उनका माहौल उड़ाता है, मजाक बनाता है, फब्तियाँ कसता है और बताता है कि देखो ये कैसे हैं, ये कैसे हैं। और फिर दूसरी पार्टी का नेता आता है, वो पहले वाले नेता की कमियाँ गिनाता है, फब्तियाँ कसता है, उनकी कही हुई बातों का मजाक उड़ाता है और बस यही चलता है। अपने याद न आ वहीं जिनका आदि न अंत। लेकिन जिस समय नेता ने माइक पर अपने बोलने की शुरुआत की होती है और दूसरी पार्टी वालों को कोस रहा होता है, उस समय उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका ना आदि है ना अंत है। कभी आपने किसी नेता से सुना है कभी कि किसी नेता ने कहा हो कि हमारी पार्टी ने ये गलत काम किया, या हमसे ये भूले हुई, हमने ये गलतियां की और उससे हम, उसके लिए हम देश से माफ़ी मांगते हैं, आप सभी देशवासियों से, इस जनता जनार्दन से सबसे हम माफ़ी मांगते हैं कि हमसे भूले हुई। किसी नेता ने नहीं, लेकिन दूसरी पार्टी के नेताओं के लिए बताते हैं कि उसने देखो ये काम किया, देश को कितना नुकसान हुआ, आप लोगों को कितना नुकसान हुआ, बेहिसाब नुकसान हुआ, बस हर एक कोई दूसरों के नुकसान गिना रहा है। इस उदाहरण से बहुत कुछ चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये तो राजनीति का उदाहरण था, अब मैं एक साधारण जीवन के उदाहरण से ले आऊँ, बिल्कुल साधारण जीवन। एक मित्र हिंदी के बड़े प्रेमी, बहुत खम ठोकने वाले हिंदी को लेकर, और उनके घर निमंत्रण पत्र अगर किसी का आ जाए अंग्रेज़ी में लिखा हो तो घोड़े की तरह बिदक जाते थे, डांट देते थे उसको, शर्म आनी चाहिए तुमको, भारत में रहते हो और हिंदी में कार्ड नहीं छपवाया शादी का, हम तो नहीं आएंगे तुम्हारी शादी, भर के लोग आ जाएं बाकी हम नहीं आएंगे, और वो नहीं जाते थे। हिंदी में कार्ड होना चाहिए, निमंत्रण पत्र, तब वे जाएंगे। मुझे उनकी बात बहुत हद तक अच्छी लगती थी, मैंने उन्हें एक बार समझाया कि अब वो निमंत्रित करने आ गया, खुद आया घर पे, हाथ जोड़ के आपको निमंत्रित कर रहा है, हिंदी में ही निमंत्रित कर रहा है, आप कार्ड पर क्यों जाते हैं, छोड़िए कार्ड को, भूल जाइए, आप तो जाइए। बस वो शुरू हो जाते थे कि आप भी बस इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं, अरे क्या मजबूरी है इनकी कि ये हिंदी में कार्ड छाप रहे हैं, खुद हिंदी भाषी, हिंदी पढ़ने वाले, इनका परिवार हिंदी भाषी, जिनको कार्ड दे रहे हैं वो हिंदी वाले, क्यों विदेशी भाषा की गुलामी कर रहे हैं, आज भी अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे हैं, मार ना जाने मार दुनिया भर का क्या क्या। बात सही है उनकी, गलत नहीं थी, लेकिन किसी के विवाह में ना जाना, उनका माहौल उड़ाना, यह बात गलत थी। खैर समय बीता, उनके बच्चे भी ब्याह के लायक हुए और वे आए मेरे पास निमंत्रण लेकर, निमंत्रण पत्र अंग्रेजी में था। मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने कहा आपको कहीं चुल्लू भर पानी नहीं मिला क्या, बताइए, कहीं नहीं मिला चुल्लू भर पानी कि जिसमें आप डूब मरते, आपकी मैंने कहा हिम्मत कैसे हो गई कि आप हिंदी में कार्ड लेकर आ गए। मैंने कहा मैं ये जो इस समय इतनी कड़वी भाषा बोल रहा हूँ ना, ये सब मैं उन सब लोगों का बदला ले रहा हूँ आपसे, जिनको आपने तिरस्कृत करके अपने घर से निकाला, एक प्रकार से आप तो गए नहीं उन सब की शादियों में, आज आपका खुद का कार्ड आपके बच्चे की शादी का वो अंग्रेज़ी में क्यों है। बस वही मूसा बनाकर बोल दिया, क्या करें बच्चे मानते नहीं हैं, बच्चों के आगे हमारी कुछ नहीं चलती, बच्चे कहते हैं जिस दफ्तर में हम काम करते हैं, जिस ऑफिस में, वो मल्टीनेशन है, हिंदी में कार्ड छापेंगे तो हम पिछड़े वर्ग के माने जाएंगे, जाहिल माने जाएंगे, और हम जाहिल ना माने जाएं इसके लिए अंग्रेज़ी में कार्ड छपवाया। अब से पहले क्या था, दोस्त पराए देख के चला हसंत हसंत, खूब हंसते थे, ये देखो ये अंग्रेज़ों के गुलाम, इनके खून में आज भी अंग्रेज़ों की गुलामी बह रही है, अंग्रेज़ी में कार्ड छपवाते हैं, और खुद अपने याद न आवहीं जिनका आदि अंत। और मैंने कहा यही नहीं, आपके घर के बाहर पहले हनुमान कुटीर लिखा होता था, अब शर्माज कोटेज कर दिया अंग्रेज़ी में सारा, पहले हिंदी में लिखा था, जब तक आपके पिता जीवित थे
आपके पिता के जाते ही जब घर को आपने रेनोवेट किया कि बच्चों की शादी हो रही है, तो वो हनुमान कुटीर फेंक फाँक दिया, कहीं पड़ा होगा कहीं कूड़े में, और उसके बदले बढ़िया ग्रेनाइट की और उसके ऊपर पीतल के काम के ऊपर पीतल के अक्षर बने हुए और उस पर लिखा शर्माज निवास या शर्माज कुटीर, जो भी कुछ था। मैंने कहा वो भी इंग्लिश में लिखा आपने। तो ये दो उदाहरण तो आपने सुने। अब ये आम जिंदगी के उदाहरण हैं जिनमें हम लोगों को न जाने उनके दोषों के लिए, उनकी कमियों के लिए कितना कितना उनका मजाक उड़ाते हैं, उन पर हंसते हैं, फप्तियाँ कसते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि हम में भी तो वे दोष हैं, हम भी तो ऐसा कर लेते हैं। एक और छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए बात। बहुत छोटा उदाहरण है, आम जिंदगी का उदाहरण है। गाड़ी सभी चलाते हैं, लगभग सभी चलाते हैं। तो एक महिला आगे गाड़ी चला रही थी, धीरे चल रही थी, सीखा होगा उसने नया गाड़ी चलाना किसी तरह से। तो जो हमारे मित्र थे जो साथ हमें लेकर कहीं जा रहे थे, वो बार बार हॉर्न बजाए कि वो साइड दे गाड़ी को बार बार। अब किसी तरह से काफ़ी दूर तक जब उस महिला ने साइड नहीं दी, और जब साइड दी उसने तो उन्होंने बड़ा घूर के उसे देखा और गाड़ी में बैठे बैठे बोले कि ये औरतें ही ऐसी हैं, इनको न जाने क्यों लोग गाड़ियाँ देकर बाहर निकाल देते हैं, इनको तो घर में ही रहना चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा, चुप रहा। थोड़े दिनों बाद संयोग से वे जब मेरे पास आए तो उनकी पत्नी गाड़ी चला रहे थे। तो मैंने उनकी पत्नी से उनके सामने कहा, मैंने कहा ये कैसे हैं, औरतों को तो घर में रहना चाहिए और ये औरतों को गाड़ियाँ देकर बाहर भेज देते हैं, तुम गाड़ी चलाती हो, कितनी लज्जा की बात है, तुम्हें घर रहना चाहिए, औरतों का काम है कोई गाड़ी चलाना, और ये पुरुष ये भी अपनी औरतों को गाड़ियाँ दे दे के बाहर भेज देते। अब वो तो मेरा मुंह देखे, उसे मुझसे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं ऐसी बात बोलूँ। उसने हाथ जोड़ दिए उनकी पत्नी ने और बोले कि आपको हम क्या कहें, आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं अगस्त के बाद गाड़ी नहीं चलाऊँगी। मैंने कहा नहीं, यह बात नहीं है, मैंने तो इनको सुनाने के लिए बात कही है। फिर मैंने उनकी पत्नी को सारा किस्सा सुनाया। मैंने कहा ये कुछ दिन पहले ऐसे कह रहे थे एक महिला के लिए, अब तुम बताओ। तभी मैंने इनके सामने सुनाते हुए कहा कि तुमको इन्होंने क्यों गाड़ी हाथ में दे दी, तुमको घर में बिठा के रखते ना। उनकी पत्नी ने अपने पति की ओर देखा और कहने लगी कि घर चलो, वहाँ तुम्हारी क्लास लूँगी मैं, अभी इनके सामने तो नहीं लूँगी पर तुम्हारी क्लास घर चल के लूँगी मैं। अब वो उसके पति का चेहरा फक पड़ा हुआ पीला। तो ये मैं बता रहा हूँ कि किसी पर भी फब्ती कसने से पहले, किसी की भी कमियों की तरफ उंगली उठाने से पहले, बस एक बार ये सोच लेना चाहिए कि क्या हम भी तो वैसे नहीं। बस एक बार अच्छी तरह से एक ही बार में देखा जा सकता है कि हम जिस सामने वाले के लिए जो बात कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हम पर भी लागू होती हो, और यदि लागू होती हो तो थोड़ा संभल जाना चाहिए। कबीर साहब मन की सारी बुराइयों को खोज खोज कर हमारे सामने ला रहे हैं, खोज खोज कर, कि बेहोशी में जी रहे हैं हम लोग। तो वो जो होश में है, वो जो होश में है वो हमें हमारी बेहोशी से बाहर लाना चाहता है और बराबर इशारे कर रहा है, प्यार से धमका कर, व्यंग्य करके, कठोर होकर, हर तरीका इख्तियार कर रहा है, इसलिए कि हम कुछ साफ सुथरे हो जाए। दोष पराए देखी करी, चला हसंत हसंत, अपने याद ना बई, जिनका दिन अंत कवीरा, जिनका